1, 2, 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस। क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है 29 जुलाई के शिफ्ट वन के पेपर में से। ये देख सकते हो आप 29 जुलाई शिफ्ट वन, ये देख सकते हो आप 29 जुलाई शिफ्ट वन। पीछे भी आप देखो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 29 जुलाई शिफ्ट वन। इसके अंदर में ना मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तुक्का मारने का सही तरीका। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे यार जेईई मेन के अंदर में तुक्का उनको मारना पड़ता है। जिन भी बच्चों का स्कोर 80-100 इस रेंज में अटका है, आप सबको जो है इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहिए बचे हुए क्वेश्चंस में, क्योंकि आपका वैसे भी नहीं हो रहा ना एनआईटीज में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह करके अटेम्प्ट करोगे और 40-50-60 नंबर बढ़ाओगे, आप 160 प्लस लेकर के जाओगे, तो आपका एनआईटी सिक्योर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास में खोने को कुछ नहीं है, वहां पर आपको डेफिनेटली तुक्का जो है मारना चाहिए, राइट। अब तुक्का आप कैसे सीख सकते हो, तुक्का ट्रिक्स आप कैसे सीख सकते हो? हमारा चैनल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए फेमस है, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के आप लोग देखो, बहुत सारे एपिसोड्स हैं। एंड आप इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का, ठीक है, लॉजिकल बेस्ड जो तुक्के होते हैं ना, वैसे फर्जी तुक्के नहीं कि आँख बंद करके कुछ भी मार दिया, लॉजिक बेस्ड तुक्के जो होते हैं वो आप हमारे चैनल से सीखोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमको क्या पूछा है, हमको इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछा है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायमेंशंस देख सकते हो, क्या देख सकते हो, डायमेंशंस, ठीक है। जैसे इसका जो डायमेंशन है वो देखो क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा, तो इसका जो डायमेंशन है वो सिग्मा के बराबर है। इसका डायमेंशन देखो क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा, क्या है, सिग्मा के बराबर है। लेकिन यहां देखो सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो ये तो 1/सिग्मा हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट। यहां पर भी आप देखो सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1/सिग्मा हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट। तो दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे यहां पर, एलिमिनेट हो गए। ए और बी में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो तुक्का आपको इस तरीके से लगाना है, अंधा तुक्का नहीं, जय माता दी कुछ भी कर दिया, आपको देखना है कि अगर आप ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं, उसके बाद में आपको तुक्का लगाना है। अब आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप और सोचो तो आप देखोगे कि आपको ये 2 का नंबर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चांसेस बनता है कि 2 वाला आंसर होगा, है ना। 2 ही क्यों दिया है, कुछ और दे सकता था, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता था, लेकिन 2 का नंबर दिया है, तो 2 में कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक फील सा आ रहा है कि शायद 2 आंसर में हमारे होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास में बी है, चेक करके देख लेना, मैंने चेक नहीं किया, आंसर की जो दी थी वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिर से हम लोग डायमेंशन लगाएंगे। देखो हमको क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ चाहिए कुल मिला के, ठीक है। अब ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो एच सी की वैल्यू क्या होती है, ई लैम्डा, ठीक है। आप पहले ऑप्शन में लगाओगे एच सी की जगह ई लैम्डा, तो आपको ऊपर मिलेगा ई लैम्डा, नीचे मिलेगा ई लैम्डा माइनस एच सी ई लैम्डा, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशन चेक करोगे तो डायमेंशन तो है ही नहीं इसका, ऊपर नीचे डायमेंशन बराबर, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, गलत है ये तो। हमको लेंथ का डायमेंशन चाहिए, वेवलेंथ का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन वाइज गलत हो गया, समझ रहे हो। अगर ये गलत हो गया, नीचे वाला चेक करो, सी भी शायद गलत हो रहा है, नहीं सी में लैम्डा है, चेक कर लेते हैं। एच लैम्डा, एच लैम्डा, एच लैम्डा का मतलब क्या हो गया, एच का डायमेंशन, एच का डायमेंशन देख लो क्या है, एच का डायमेंशन हो जाएगा ई लैम्डा बाई सी, समझ रहे हो, एच का डायमेंशन हो जाएगा ई लैम्डा बाई सी। तो यहां पे आप डाल लो ई लैम्डा बाई सी एच के जगह, तो आपका कुल मिला के आ जाएगा ई लैम्डा स्क्वायर बाई सी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका ई लैम्डा का डायमेंशन, तो कुल मिला के आपका ई से ई कटेगा, लैम्डा से एक लैम्डा कटेगा, लैम्डा बाई सी आपका आ रहा है। तो ये जो डायमेंशन है ना, ये भी लैम्डा वेवलेंथ के बराबर नहीं आ रहा है, काट दो, समझ गए ना आप। एच के जगह हमने क्या लिखा, ई लैम्डा बाई सी लिखा, तो ई लैम्डा बाई सी इंटू लैम्डा, मतलब कि ई लैम्डा स्क्वायर बाई सी, और नीचे में तो ई लैम्डा का डायमेंशन है ही सही,
ई से ई कट गया, लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा, एक लैम्डा कट गया, लैम्डा बाई सी बच गया लास्ट में। समझ रहे हो? करके देख लेना, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, राइट। बी और डी दोनों का डायमेंशन सेम है, चेक कर लो। एच सी लैम्डा, एच सी लैम्डा, एच सी लैम्डा, ठीक है। और नीचे में क्या है? नीचे में वही है एच सी, है ना। नीचे में क्या है? एच सी। ई लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी, तो नीचे में एच सी का डायमेंशन है। एच सी से एच सी कटेगा, लैम्डा बचेगा, तो इसका जो डायमेंशन है वो लैम्डा है, इसका भी डायमेंशन लैम्डा है। बी और डी में आप क्या कर सकते हो? तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है? एक मेटल होता है, एक फोटोन आता है, मेटल से टकराता है, एच म्यू एनर्जी से आता है, वर्क फंक्शन फाई होता है। तो एच म्यू माइनस फाई जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है उसका काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा फंडा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, काइनेटिक एनर्जी अगर डबल करना है तो जो फोटोन के आने की एनर्जी है उसको बढ़ाना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करना है तो फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। फोटोन की एनर्जी कब बढ़ेगी? फोटोन की एनर्जी कब बढ़ेगी? जब लैम्डा कम होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा कमेगा तब ना टोटल वैल्यू बढ़ेगी। और लैम्डा कम करने का मतलब क्या है? ऑप्शन बी और डी में आप देखो, लैम्डा कम कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा है ऑप्शन बी में तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, है ना। लैम्डा छोटा हो गया, लैम्डा छोटा हो गया तो एनर्जी बड़ी हो गई, समझ रहे हो। एनर्जी बड़ी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको डबल बोला है। लेकिन ऑप्शन डी में वो चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है? माइनस है, लेकिन ऑप्शन बी में प्लस है। प्लस मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी, ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी मतलब लैम्डा छोटा हो गया, लैम्डा छोटा मतलब एनर्जी बड़ा हो गया, एनर्जी बड़ा मतलब माइनस करेंगे जब फाई के साथ में तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुक्का, समझ रहे हो। तो ये होते हैं तुक्के मारने के सही तरीके। आप लोग कहते हो ना तुक्का कैसे मारे, ऐसे मारा जाता है। अगर आपको तुक्के के अंदर में प्रो बनना है, जेई मेन के अंदर में अगर आपका स्कोर जो है ना 80 90 100 इस रेंज में आ रहा है, आपको प्रो बनना है, 80 से 100 के बीच में आप हो, वहाँ से आपको 160 प्लस लेकर के जाना है, तो आप जल्दी से क्या कर सकते हो? एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। जेई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं, कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस एंड अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल प्रीमियम कोर्स है, काफ़ी शानदार कोर्स है। आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार आप कोर्स को देख पाओगे, आपके पास में एक्सेस जो है वो सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा। काफ़ी शानदार कोर्स है, इसको आप लोग मिस मत करो। 40 से 50 नंबर का डिफरेंस आपका ये कोर्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। एनीवेज, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फील करके हम इसको तुक्का लगाएंगे, देखना ध्यान समझना। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। अब रेंज मैक्सिमम कब होता है? आपको पता ही है 45 डिग्री पे होता है, आपको पता ही है। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, तो 45 डिग्री पे फेंक दो तो ऐसा आपका एक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा 45 डिग्री का, क्लियर है। अब पूछा क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज जिसकी हाफ है। हाफ का मतलब क्या हो गया? हाफ का मतलब यहां तक, ठीक है। अब यहां तक अगर फेंकेगा तो कैसा होगा शेप? शेप ऐसा होगा, शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है। पूछा क्या है? थीटा पूछा है, तो ये थीटा आप खुद बताओ कितना दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं, या तो 15 डिग्री होगा या तो 30 होगा, और क्या ही होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? ये आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? 15 डिग्री समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 30 डिग्री आपका कहीं यहाँ पे होगा, फील आ रहा है आपको? दोबारा से फील करा देता हूँ, नहीं आया तो। ये 45 डिग्री, ये ऐसा, अब इसका रेंज आधा, आधा मतलब यहाँ तक, तो ये इस तरीके से ऐसा, तो इसका जो लॉन्च एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा, समझ रहे हो। क्योंकि इसका आंसर 15-30, ये दो ही होने के चांसेस बनते हैं ज़्यादा, राइट। अगर आपको चेक करना है फिर भी, तो आप कुछ मत करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका रेंज होता है। 45 डिग्री के केस में क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई जी आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? आर बाई टू। तो अगर आप 15 डिग्री लोगे तो साइन 2 थीटा क्या आएगा? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन
टू थीटा, टू इंटू 15 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, तो ये आ जाएगा ना आपका यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये अगर r2 है, ये अगर r1 है, तो r2 की वैल्यू r1 बाई 2 है ना, वही तो बोल रहा है हाफ द रेंज, तो 15 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, 15 डिग्री, समझ रहे हो। अच्छा, आंसर 15 होगा तो 75 भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। एक तो ये वाला केस है, एक ये वाला केस भी हो सकता है ना, जब 75 डिग्री पे ऊपर फेंक दिया तो ये ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, ये भी पॉसिबल है, दो एंगल आएगा 15 और 75 दोनों। ठीक है, 15 और 75। तो देखो, जेई मेन के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जुगाड़ भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते थे 15 डिग्री का, क्योंकि डायग्राम से ही आपको फील आ रहा है ना 15 डिग्री का एंगल, कुछ नहीं किया, बस डायग्राम बनाया आपने, डायग्राम से ही फील आ रहा है आपको 15 डिग्री का। आप ऐसा सोचो कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच में मान लो 60 मान लो आपका 60 यार्ड का ग्राउंड है, तो 45 डिग्री पे मारते हो आप, तब ये ग्राउंड पूरा पहुंचता है बाउंड्री पे। मान लो आपको 30 यार्ड के सर्कल तक ही पहुंचाना है, तो आप कितने एंगल से मारोगे कि 30 यार्ड के सर्कल तक ही पहुंचे? फील आ जाएगा आपको 15-20 डिग्री के आसपास, है ना, क्लियर है ना, सेम स्पीड रखते हुए। अब 15 डिग्री इसलिए मारा क्योंकि जनरली जो आंसर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, 15, 30, 60, जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो हमको याद कराया जाता है, 15 का वैल्यू है ना 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना, फिर हमारे पास में 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं, इन्हीं में से आंसर होने के चांसेस होते हैं। 15 और 30 में से आप तुक्का लगा सकते थे 15 का, सही हो जाता, क्लियर है ना। तो यार मज़ा आ रहा है ना, अगर आपको YouTube के फ्री एपिसोड से आपको मज़ा आ रहा है, आपको तुक्का कैसे मारना है समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट लेवल अगर आपको अपने स्किल्स को लेकर के जाना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई है, पेमेंट को कंप्लीट करो, डिजिटली आपको कुछ घंटे में सारी चीज़ें जो है सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार कोर्स है, और आपका जेईई मेन 2023 में उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।